वालेकुम सलाम। हादी बहुत देर हो गई बेटा, खाना खाया तुमने? मुझे भूख नहीं लग रही है। हादी सुनो तो, हादी बात तो सुनो। हादी भगवान के दया में डूबे कैसी नैया क्या मंजुला बस कई हो यार आरे डार्लिंग बस कई हो यार बस कई हो यार सुनो दो इनमो बस करी हो यार। ऐसा मियाँ तुम्हें कहीं मिलेगा खाने पका पका के देता है? एचएस से तो एक अंडा नहीं बॉयल हुआ कभी तुम्हारे लिए। चल पता है मेरी अम्मी को ना डैडी से हमेशा यही शिकायत थी कि उन्होंने आज तक उनके लिए कुछ नहीं पकाया, कुछ नहीं खिलाया, झूठे मुंह एक प्याली चाय भी नहीं पूछी। मैंने तभी से फैसला कर लिया था कि मैं अपनी बीवी के लिए सब कुछ बनाऊंगा। चलो खाओ, इतना कम खाती हो ना तुम। मैं नहीं खा सकती। खाओ खाओ खाओ, मोटी हो जाओ। मुझे मोटी ताजी औरतें बहुत पसंद है, बिल्कुल मदरली लगती हैं। एचएस और उसकी बीवी को कब इनवाइट करें? मुझे नहीं पता अगर वो लोग आना चाहेंगे कि नहीं, बस हम दोनों ही चलते हैं। नहीं नहीं, एचएस को बुलाएंगे। मुझे इसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, हर दफा कुछ नया सीखने को मिलता है। कितना फिट आदमी है ना, और स्टाइल हो कितना है, तुम्हें तो पता होगा। पूरा बॉस है बॉस। काश मैं भी उस जैसा होता, फिर तुम्हारी जिंदगी में दो दो एचएस होते। आप उनको इनवाइट करने का कह रहे थे ना? ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। हालांकि मुझे पता है कितना दिल चाहता तुम्हारा मिलने का, भले शायद फरीसा क्यों ना हो। रमीज ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स ओके यार, हम कर लेंगे उनको इनवाइट। एक और मौका मिल जाएगा अपने महबूब से मिलने का। खाओ खाओ, कलेजा भी लो, मेरा तो खाती रहती हूँ। चिकन का भी खा लो। भेजा दूँ? बस नहीं, मैं खा रहा हूँ। खाओ। कहाँ थी तुम फरीसा? हम लोग तुमको कब से कॉल कर रहे थे, तुम्हारा फोन बंद था? फोन की बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए। और ड्राइवर का फोन, वो भी बंद हो गया था क्या? ड्राइवर का मुझे नहीं पता, मगर खैरियत आप लोग फोन क्यों कर रहे थे? बेटा तुम सुबह की निकली हुई, अब 12 बजे वापस आ रही? सुबह की नहीं, शाम में गई थी हादी के आने के बाद। चाहे जितने बजे भी निकलो, अगर अकेली जा रही हो तो रात के 10 बजे तक तुम्हें वापस आना होगा। 10 बजे? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो 10 बजे घर वापस आ जाऊं। पहले पाबंदी लगाई कि ड्राइवर के साथ जाऊं, अब 10 बजे घर वापस आ जाऊं। अनरीजनेबल होने की भी हद होती है ये। बिहेव योरसेल्फ। सलमान प्लीज। बेटा ऐसी बात नहीं है, हम तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं। इसकी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सारी दुनिया भी तो बाहर होती है ना। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, रात 10 बजे तक तुम्हें वापस आना होगा। I can't believe it। आप लोगों की भांजी, उसका मतलब ये नहीं मुझसे इस तरह बात करेंगे आप लोग। ससुर तो नौकरों के साथ भी नहीं होता है, ज्यादती की हद होती है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं फरीसा, हम लोग तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गए थे। अगर तुम 10 मिनट और नहीं आती ना तो सलमान तो पुलिस को रिपोर्ट करने वाले थे। हादी भी जब से आया है कमरे में बंद है, अगर वो सामने होता तो वो इनको समझा देता। क्यों? अब हादी को क्या हो गया? बेटा तुम जरा पूछ लो प्लीज, पता नहीं उसने खाना खाया है कि नहीं। मैं तो आवाजें देती रही हूँ कि जवाब ही नहीं दे रहा। उनका तो यही हाल है, हर थोड़े दिन में मुंह बना के बैठ जाते हैं।